अरे मोदी जी, काम करने का हुनर सीखना हो तो तुमसे सीखना चाहिए। अरे फल बेचने का क्या गजब तरीका ढूंढ निकाला तुमने। एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया, उस ऑटो रिक्शा में पीछे फल रख के बेच रहे हो गली गली आप। पहले तो आप ठेले पे फल बेचते थे मोदी जी, ठेला क्यों बेच दिया? योगी जी, ठेला खींचते खींचते मेरे हाथ में छाले पड़ गए थे और ठेले पे मैं फल गांव के सिर्फ एक मोहल्ले में ही बेच पाता था। अब मैंने ये ऑटो रिक्शा खरीद लिया है, इस पे फल रख के मैं कई गांव घूम लेता हूँ, कई गांव में फल बेच आता हूँ। भाई से केला क्या रेट दे रहे हो? 100 रुपए के 1200 रुपए दर्जन। और सेब? सेब बहुत बढ़िया है तुम्हारा, 20 रुपए किलो। और ये पपीता? पपीता क्या रेट बेच रहे हो? अरे योगी जी, सिर्फ मजाक कर रही हूँ या कुछ लोगे भी? एक एक करके सारे फलों के रेट पूछ रहे हो तुम, लेना है कुछ के नहीं है बताओ? जब से मेरे ऑटो रिक्शा के पास आके खड़े हुए हो, एक ग्राहक भी नहीं आया है फल लेने के लिए। जाऊं योगी जी, कोई काम करो घर जाके। अरे राहुल आ गया, राहुल शायद राहुल कुछ ले। अरे मोदी जी, पपीता क्या रेट बेच रहे हो? 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ राहुल, ले लो, ताजा पपीता है। और सेब? सेब क्या रेट बेच रहे हो? 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ सेब, सेब भी बढ़िया है, ले लो। अरे क्या मोदी जी, अभी तुमने मुझे सेब का रेट 20 रुपए किलो बताया था, अब राहुल को रेट 50 रुपए किलो बता रहे हो, ये क्या बात हुई? योगी जी, यहाँ खड़े होके बेफालतू की बात तो करो मत, मेरे फल मैं किसी रेट में बेचूं तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें मैंने सेब 20 रुपए किलो बताए थे, राहुल को 50 रुपए किलो बेचना चाहता हूँ, मेरे मन की बात है। अरे लालू सर जी आ गए। भाई ऑटो रिक्शा में खूब फल बेच रहे हो मोदी जी, अच्छी आमदनी हो रही है तुम्हारी। केला क्या रेट दे रहे हो? 1 दर्जन केले दे दो। अरे लालू सर जी, 10 रुपए दर्जन लग जाएंगे, 10 रुपए के 12, ले लो 1 दर्जन केले। अरे क्या मोदी जी, इतनी लंबी फेंकते हो? अभी तुमने मुझे केले 100 रुपए दर्जन बताए थे, 100 रुपए के 12, और लालू सर को आप 10 रुपए के 12 बता रहे हो, ये कोई बात हुई? हर ग्राहक को अलग अलग रेट क्यों बता रहे हो? ऐसे तुम्हारी बिक्री कहाँ हो जाएगी? देखो योगी जी, मैंने पहले भी कहा अपना काम करो जाके, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। मैं उन्हें केला इसलिए सस्ता दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरा चालान नहीं काटते, एक दूसरे से हमारा यूं ही चलता रहता है। मैं उन्हें फल सस्ते दे देता हूँ, वो मेरा चालान नहीं काटते। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बस मोदी जी, बस बस 50 रोटी और बना दो बस, और एक भगोना भर के दाल और बना दो। अरे मई योगी जी, हमने नहीं खाया, यही सिर्फ 2 रोटी है हमारे पास, एक रोटी को अखिलेश बना रहा है और एक रोटी को मैं ऊपर सेक रहा हूँ। 3 रोटी बची थी, एक राहुल को दे दी और ये दोनों हमारी दोनों की है। भाई कम से कम तुम 50 रोटी खा चुके हो, एक एक रोटी तो हमें खाने दो। लेकिन मोदी जी, ये कोई बात हुई? तुम्हारे यहाँ मेहमान बन के आने का फायदा क्या? अरे मेरी 100 रोटी की खुराक है, जब तक 100 रोटी नहीं खा लेता हूँ तब तक पेट नहीं भरता है। दाल भी तुमने इतनी पतली बनाई है कि दाल से ज्यादा तो गाढ़ा पानी होगा, पानी से भी पतली है तुम्हारी दाल। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने अभी आधा पेट खाया है, 50 रोटी और बनाओ। अरे भाई योगी जी, 50 रोटी और कैसे बनाएं? रोटी बेलते बेलते मेरे हाथों में छाले पड़ गए, एक रोटी राहुल खा रहा है, जिस रोटी को मैं बेल रहा हूँ ये तो मैं खाऊंगा, और जो तैयार हो रही है वो मोदी जी खा लेंगे, घर में सारा आटा भी खत्म हो गया। अरे भाई योगी जी, तुम बन ठंड के आ गए हमारे घर पे। अरे हमने तुम्हें कहा थोड़ी था हमारे घर मेहमान बन के आओ, क्या करा जाए जब मेहमान बन के तुम घर आ गए तो खिलाना पड़ रहा है हमें। अरे हम एक एक रोटी खा रहे हैं, एक एक रोटी तो खाने दो हमें। चलो राहुल अखिलेश चुप हो जाओ, मेहमान भगवान के समान होता है। चल आटा ही तो खत्म हो गया, राहुल जा केजरीवाल की दुकान से 3 किलो आटा उधार ले, जा जल्दी जा, मेहमान को कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए। अरे मोदी जी, मेहमान को भूखा नहीं रखना चाहिए, दाल पानी से भी पतली खिलाना चाहिए, ऐसे खाने से तुम्हारा क्या फायदा? अरे देखो योगी जी, ऐसी बातें नहीं करते, हमने तुम्हारे खातिर घर का सारा आटा खत्म कर लिया और चूल्हे में लकड़ी भी खत्म हो गई, सारी लकड़ी जल गई। अब हमें क्या पता था तुम्हारी खुराक इतनी है, तुम इतना खाते हो? हम तो एक आध क्विंटल आटा मंगा के रख लेते और किसी रोटी बनाने वाले को ले आते, हमसे तो बनती नहीं इतनी रोटी। अब अखिलेश के हाथों में छाले पड़ गए बेचारे के, फिर भी हम तुम्हारे लिए केजरीवाल की दुकान से 3 किलो आटा मंगा रहे हैं, समझे? तुम्हें भूखा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो, और एक दो दिन की बात है, घर जाओ आराम से, हम तीनों भी तुम्हारे घर मेहमान बन के आ रहे हैं, फिर इसी तरीके से खातिरदारी कराएंगे तुमसे। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।